हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 क्वेश्चन 3 ऑफ 13.7 कर रहे हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15, एच दिया है, इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला लगाएंगे और रेडियस हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम, जो दिया है पहले क्वेश्चन नंबर 3, एच इज इक्वल टू 15 दिया है, एच इज इक्वल टू 15, वॉल्यूम दिया है हमें 1570, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1570 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर और एच की वैल्यू है 15। तो 3 5 15 कट कर देंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा 22 फाइजा कितना होगा 110/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो 1570 7 ऊपर जाएगा और 110 नीचे आएगा, 110। और यहाँ पर दूसरा क्या है कि आर पाई की वैल्यू 3.14 दी है, तो ये हमारी मेथड नहीं चलेगी, हम वापस करते हैं इसको। एच इज इक्वल टू 15 दिया है, वॉल्यूम दिया है 1570, पाई की वैल्यू है 3, पाई की वैल्यू 3.14 है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1570 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एच दिया है 15, तो 3 5 15 कट कर देते हम। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1570 अपॉन 3.14 अपॉन 5। तो अगर यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे हम 314 के, तो ऊपर डबल ज़ीरो लगेगा, तो 1570 और 2 ज़ीरो लगेंगे, और दूसरा है 314 × 5, तो 314 5 जा हम करेंगे तो 1570 ही आ जाएगा, राइट। आर स्क्वायर, तो 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन 4 करते हैं हम। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन 4 में दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो क्वेश्चन 4 जो दिया है वो पहले लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई, एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आर हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसकी वैल्यू दी है 48 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच दिया है हमें 9, तो 3 3 9 कट हो जाएगा, पाई पाई कट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3, बराबर 3 क्रॉस में जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो 16 3 जा 48, तो दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू 4, ओके। देन क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दिया है कॉनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, तो डायमीटर दिया है तो रेडियस मिलेगा 3.5/2, और हाइट दी है 12 मीटर, डीप लिखा है, मतलब व्हाट इज़ कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या करना है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है।
इन किलो लीटर, कैपेसिटी इन किलो लीटर, राइट। किलो लीटर और मीटर क्यूब सेम होता है। अभी इसकी मेथड करते हैं हम, जो जो दिया है वो पहले लिखेंगे हम। डी दिया है हमें, क्वेश्चन फाइव कर रहे हैं हम, डी हमें दिया है 3.5। आर क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, तो डी अपॉन टू ये मीटर में दिया है, तो 3.5 अपॉन टू, राइट। तो 35 अपॉन 20 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 7 जा एंड 5 4 जा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/4 और हाइट है 12, तो 4 3 12 हो जाएगा, 7 7 कट होगा, 3 3 कट होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 2, तो 11 7 जा 77/2, 77/2 कितना होगा 38.5 मीटर क्यूब, और किलो लीटर में भी सेम आएगा 38.5 किलो लीटर, राइट। तो पहले डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड किया, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला लगाई हमने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/4, राइट, यहाँ पर भी 7/4, रेडियस हमें 7/4 मिला था, 35/20 किया, पॉइंट रिमूव किया तो, राइट, यहाँ पर पॉइंट है तो नीचे 0 लगेगा, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 5 7 जा और 5 4 जा, यहाँ पर 7 7 कट हो गया, 3 4 जा 12 कट हो गया और 4 4 कट हो गया, फिर 11 2 जा और 2 2 जा, तो 77/2, तो 38.5 मीटर क्यूब, तो 38.5 किलो लीटर। ओके फ्रेंड्स, अभी 13.8 नेक्स्ट टाइम करेंगे हम।